था बनारस में ऑक्सीजन को लेकर के क्या सुविधा कैसे मिली और किस तरीके से आप लोगों ने उस सुविधा उपलब्ध कराई? ये एक लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ पे आ चुका है और अब इसको जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में रामनगर में जो हमारा लिक्विड गैस से सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का प्लांट है वहाँ पर इसको पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से कि उसको रिफिलिंग कर करके विभिन्न हॉस्पिटलों में इसकी सप्लाई की जाएगी। कितना राहत मिलेगा बनारस में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी और ये कल एक टैंकर आया था, आज एक टैंकर है। हाँ, कल एक टैंकर आया हुआ था बाई रोड, आज ये हमारे रेल के माध्यम से आया है और अभी ट्रांसपोर्टेशन में हमारे बाई रोड भी एक आध टैंकर और आ रहे हैं, तो अब इन दोनों टैंकरों के आ जाने से यहाँ की जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो काफ़ी हद तक सुचारू रूप से चल पाए। सर कुल कितने टैंकर थे इस पे और क्या जो गाड़ी थी वो आगे? ये यहाँ के लिए एक टैंकर अलर्ट हुआ था, बाकी लखनऊ के लिए गया है, तो एक यहाँ पे उतर गया, लखनऊ के लिए रवाना हो गया। सर कैमरे पे अपना पर्चा बता दीजिए। मैं गुलाबचंद, ADM City बनारस।